हमारी बेगम है। शक्ल से तो बहन लग रही है। देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। हेलो, फ्यूचर का बिजनेस टाइकून इतनी देर तक सोता है क्या? टाइम सारी रात मेरा सर खा के आप बातें बना रही हो, जल्दी उठ गई। तुम्हें इतना मिस किया कि सोने को जी नहीं चाहा, तुम्हें भी जागना चाहिए था। यानी तुम चाहोगी तो नींद पूरी होगी मेरी, वरना सारी रात जागना पड़ेगा, राइट? वेरी राइट, मैं तो ऐसी हूँ। और मैं ऐसी लड़कियों से भागता हूँ। What? How dare you? Last night जो तुमने इतनी सारी commitments किए उनका क्या? वो कर गया, ये तो मेरे बायात का खेल है। सलमान, तुमने वादा किया था। मुकर गया और मुकर जाना मेरे बाएं हाथ का खेल। हाथ काट दूंगी मैं, ना रहेगा हाथ ना फिर खेल सकोगे खेल। क्यों हंस रहे हो तुम, हंस रहे हो? हेलो हेलो हेलो, हाँ फिर से सो गए क्या? नहीं, हम हियर। अच्छा फिर बताओ किस बात से मुकर गए हो तुम? किसी से नहीं, तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। चलो अब रेडी होकर ऑफिस जाओ, शाम का कुछ प्लान करते हैं। ओके, टेक केयर। लव यू। लव यू टू। मैं अब अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसा कब का? कोई और मिल गई है? नहीं, लेकिन हाँ यकीनन मैं उसे मार दूंगी। तुम मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ और एक तरफ हो जाओ, फिर मैं जानू वो। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा वक्त। तुम कैसी बातें कर रहे हो? चिल्लाओ मुझ पे, मुझे डांटो, मुझे मारो, जो दिल में आता है करो, मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करो। यार मुझे सांस नहीं आता तुम्हारे बिना। आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मुझे छोड़ दोगे, मैं 4 दिन रहूंगी कमरे में, खुद को बंद करूंगी, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। गलत लग रहा है तुम्हें, ये बहुत स्पेशल है, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना।
मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगता है मैं खुद को कुछ नहीं करूंगा, स्वेयर टू गॉड मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ यार कितना वक्त, दो साल से एक ही बात, वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। दिसंबर की बात, फिर जनवरी, जनवरी में मार्च में करेंगे, मार्च में दो सर्दियां गुजर गई यार। तुम मेरे बिना रह नहीं सकती और मैं उस तुम्हारी याद में तड़पता रहता हूँ। यकीन क्यों नहीं आ रहा? हमारे पीछे लोग जो आ गए, मैं नहीं थी, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ था, लेकिन गौर करो तो मैं भी बेकसूर हूं और आज भी वही खड़ा रहा हूं जहां तुम छोड़कर गई थी मुझे। लेकिन मैं ना जाने कहां निकल गई। लौट के आना आसान होता है, कभी कभी मुश्किल भी होता। मैं जा रहा हूं। इस बस से एक जहाज बरामद हुआ और रिकॉर्ड बन गया। और जहाज ये मरासी उड़ा रहा था, रिकॉर्ड टूट गया। बन जूता पहन लिया आज, वरना और बड़ा कुछ टूट गया था। अरे कड़ाई मार कुटाई नहीं, इतने अरसे के बाद खुली फिजा में आए, एंजॉय करो। हाँ, शैतान साहब कहते हैं लड़ो मरो दंगा फसाद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शैतान मर्दूत कमीनगी की इंतहा है और मैं जिल्लत की इब्तिदा, जो हर बार इसकी मान लेता हूँ। वे मास्टर वो नहीं आया, वो कोजा बड़ा आए हैं सोने कोजा। शुक्र है नहीं आया, हर बंदे नु कोजा कोजा बंदा पूछो, तू कड़ा टॉम क्रूज है। और कुछ चाहिए मैम? नहीं थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज फिर जिम में गए? हाँ, वो कल रात तानिया के साथ लेट डिनर और डिस्कशन, बहुत सवाल करती हैं। तो फिर नूर के साथ दोस्ती से लेकर 11th क्लब में होने वाली रीसेंट मीटिंग्स तक सब कुछ बता दिया मैंने। क्या, किस लिए? तुम क्यों उस क्रिमिनल लड़की को इतना याद करते हो? फिर तानिया को सब बता दिया, क्या रिएक्शन था उसका? अप्रिशिएट किया। वो नूर के बारे में जानना चाहती थी और मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ओह रियली? बाबा कब से ढूंढ रही हूं मैं आपको, सब ठीक है? फिर से दिख रही है? मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है, बहुत खतरा है। आज वहम नहीं, एंजॉय करें। तुम्हारी आंखों पर्दा हटा कर देखो, तुम्हें नजर आएगा मेरी जान को खतरा है। आपकी बेटी ने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई, आए जरा कोई दो हाथ खोलूंगी मैं भी। वो आते साथ ही या तो मेरे पे गोलियां चलाती या सर पे बोतल मारती है, और किसी को कुछ नजर भी नहीं आता ना कुछ सुनाई दे। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मर गए आपको मरने वाले, ट्रस्ट मी, अब की बार आएगी ना तो मर के जाएगी, बोल रही हूँ मैं।
पैसे के पीछे ना उस औरत का दिमाग खराब है, उसकी बात है उसका निशाना भी खराब है, वरना तो मैं तो लुढ़क गया था। तो सुने ना, मेरे सुनो फचाए बहुत अच्छी मिलती है, बुलाऊं किसी को ही ऊपर चले उसे तक बताए। प्लीज तानिया को जीतने के लिए स्मार्ट खिलाड़ी बनो, उसके साथ मोहब्बत का खेल खेलो। खेल में अनाड़ी और मोहब्बत में खिलाड़ी नहीं चलता। क्या हो गया तुम्हें? एलीट क्लास से लोअर मिडिल क्लास अप्रोच हो गई तुम्हारी, इसे बदलो। आदत नहीं बदलती, मेरी तो फितरत है। इतना कुछ पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। मैं अब इस खेल के आखिरी राउंड तक पहुंच चुकी हूं। तैफूर तुम्हें विलन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं तुम्हें हीरो बनाकर ही छोड़ूंगी। हीरो और विलन दोनों से नफरत है आपको? ऐसा करें कुछ और बना दें। मसलन? एक्स्ट्रा। तैयब जी, नई मेडिकेशन की लिस्ट दिखाओ। ये वाली। ये वाली मेडिकेशन। ये मेडिकेशन तैमूर को फौरन से शुरू करवाओ। लेकिन मैम, डॉक्टर बहराम ने ये मेडिसिन तैमूर साहब को देने से सख्ती से मना कर रखा है। क्यों? वो पहले दी थी, वो काफी स्लो हो गए थे, उन्होंने कहा था कि स्लो डाउन ही तो करना है। तैमूर स्किज़ोफ्रेनिक है और स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामाइन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिविटी में वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। स्लो डाउन करेंगे तो घर भेजेंगे ना? डॉक्टर बहराम से फिर भी पूछना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी डॉक्टर हूँ और दुनिया का कोई डॉक्टर अपने पेशेंट्स को गलत दवा नहीं देता। जितना का उतना करो ना, पर याद रखना मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। लेकिन मैम, तुम्हें यहाँ डॉक्टर बहराम नहीं मैं लेकर आई। और निकलवाएंगे भी आप ही। थैंक यू। ये तो सबके बीच से निकल ही नहीं रही। गन पॉइंट पे उठा लो इसको। तुम पागल हो क्या? सामने आना होता तो पहले ना उठा लेते। मौके का इंतजार करो। कैसा लग रहा है? धोखेबाज हमसफर का साथ लगता है। धोखेबाज हमसफर के साथ तो लोग पूरी जिंदगी गुजार देते। हाँ, मैं एक सेकंड ना गुजार। क्या हुआ, मना लिया? रिलैक्स, आई एम नॉट फिनिश्ड यट। तानिया के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ने के लिए मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया। अब खुश? जी। लगते क्यों नहीं? ही नहीं, मेरी शक्ल भी बदल गई है। और प्यारे हो गए। बस जो वो नफ्सियाती चुड़ैल तुम्हारे हवासों पे सवार रहती है ना, इसकी वजह से मुरझाए रहते हो। खैर एनीवे, मैं चेंज करती हूँ, फिर ऑफिस चलते। नियत खराब है। नियत साफ रखोगे तो तबीयत भी सही रहेगी। मैं आती हूं। तुम्हारी नाराजगी मेरी बर्दाश्त से बाहर है।
क्लोज वार्ड में कैद करके एक बार भी मिलने आ जाते तो भी चलता, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही मजबूर हो गया था। रीमा ने बहका दिया था। रीमा माई डार्लिंग, मेरी जान बदनाम है, और वो चुड़ैल जो परी बनी फिरती है वो तुम्हें वरखलाती है। अब नहीं वरखलूंगा, मान जा ऐ हसीना नाज परवर। खूबसूरत लोग तो जल्दी माफ कर देते, और तुम जैसी खूबसूरत। धोखा दिया तो इस बार टीना किसी को बताए बगैर मर जाएगी और अपनी लाश गायब करके जाएगी। कौन टीना? ओ तुम अपनी बात कर रहे हो। ओके, डील डन कर। अब अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो मुझे मारकर मुझसे मेरी जान छुड़ा दे। बहुत तंग हो ना खुद से, बहुत प्यार करते हो मुझसे। यहाँ कुछ और है? नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर दंदियां क्यों नहीं कर रही हैं? आपको बेला आ रहा है? कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है। Don't test me again. I won't. अच्छे लग रहे हो मेरा रंग पहन के। You know, Tina, Loki, Grim Reaper, Angel of Death. फिर क्या हुआ? यहाँ कोई बैठा है? कौन? सलमान के लिए हमेशा सीट खाली रखती हूँ, किसी वक्त भी आ सकता है। इन पागलों के लिए पिकनिक का आइडिया पता नहीं किसी क्या बहुत ही ग्रेट इंसान ने किया था। मोहब्बत? अच्छा, यानी मैं दिल में लाइन मारूं तो वो भी सुनेगी? ओहो, कितना गलत समझती हो तुम मुझे। मेक श्योर उस बाउंड्री से बाहर कोई ना जाए। बिल्कुल नहीं, और मेरे पर्सनल फोन से तो किसी को भी नहीं। शुक्र करो दिमाग के डॉक्टर हो, दिल के डॉक्टर होते ना दिल पे छुरियां चलाते। इधर आओ सर। अच्छा, जी बहराम। तुम तो मानोगे नहीं, लेकिन आवाज कह रही है कि आजकल सोचते ज्यादा सोते कम हो। क्यों फोन किया? फिलहाल यही कर सकती हूँ, मेरे बस में हो तो पता नहीं मैं क्या कुछ कर जाऊँ। ऐसे भी सब मुझे ही करना है, तो फिलहाल इसी में गुजारा करूँ। अच्छा, फोन क्यों किया? काफी दिन हो गए तुम्हें देखे, कब आओगे? कैसे समझाऊँ, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। कितनी बार बताया फिर भूल जाती हो। मुझे सब कुछ याद है, मैं नहीं भूलती। तुम क्यों भूल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरी देखो नोर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसको बताओ। सब बता दूं ताकि तुम एक बार फिर किसी पर बंदूक तान लो। इस दफा बंदूक नहीं चलेगी, कुछ और ही चलेगा। बोलना कौन है? सलमान। हेलो, yeah.
इतने लोगों को उसे मैं कैसे उठाऊं? रुको, मैं आता हूं। जी देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी जिद पूरी की है, लेकिन इस बार नहीं। तुम सलमान को भूल जाओ। बताओ जरी रीजन, कैसे और क्यों भूल जाऊं? भाई उसकी बहन एक लालची औरत है और वो लड़का पता नहीं क्या है। किरण जी, आप जितनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है कि वो लड़का तुम्हारे साथ चीट कर रहा है। जिस लड़की ने उसको बदनाम किया, उसकी बहन का मर्डर करना चाहा। और जानती हो, वो उस पागल लड़की से आज भी मिलता है। ये पता है कहां पे? जी, 11th क्लब। वाओ, यानी कि उस लड़के के सारे ऐप जानने के बावजूद तुम चाहती हो कि मैं हां कर दूं? यस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? हेलो, आंखें फाड़ कर नहीं, नजरें सी कर देखा करो मुझे। इतना अच्छा लगता हूं तो पोल क्यों नहीं देती? जहर लगते हो मुझे, और ये मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। हेलो, बताना भी मत। निशेई का दिल बड़ा नाजुक होता है, टूट जाए ना तो फिर जुड़ता भी नहीं है। तन्हाई ने बेचारी के खून चूस लिया, इतना समूह निकल मेरे हथे चढ़ जाओ तो इतने कोड़े मारूंगी ना। अपनी नकाम मोहब्बत का गुस्सा मेरी खान उदेड़ कर उतारोगी? तुम्हें तुम्हें। ओ हेलो मैडम, आज हम तुम्हारे पागल खाने के कैदी नहीं है, एक बाइज्जत और आजाद शहरी हैं। देखो तो सही जरा कपड़े हमारे। जो जमीन पर साइको होते हैं वो चांद पे जाके न्यूटन नहीं बन जाते। उठा के नीचे फेंकूंगा, टिड़ी टिड़ी हो जाएगी। किसको? 11th क्लब में तो कहा गया था कि किसी को जज नहीं किया जाएगा। जी मैं जज क्यों कर रही है? नो बेटा, नो। यार प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। सलमान अगर मुझ पे चीट कर रहा होता तो वो कभी ना बताता कि वो नूर से दोबारा मिला है। वो तो सिर्फ उससे हमदर्दी कर रहा है, उसका इलाज करवा रहा है, दैट्स इट। मुकार औरत ने तुम्हें दोस्ती का झांसा दिया होगा ना? किरण जी से दोस्ती की वजह से नहीं, खुद सोच समझ के मैंने सलमान से शादी का फैसला किया है। व्हाटएवर, सलमान का मेंटल डिसऑर्डर तो है ना, और वैसे भी वो लड़का मुझे पसंद नहीं। किसी की पसंद को नापसंद करने का हमें कोई हक नहीं है, ये बात मुझे समझाकर आप खुद भूल गए? I do understand, sweetheart. मेरा सब कुछ तुम हो, मैं हाँ कैसे कर दूं? आंखें बंद करके खुशी से मेरे लिए। मैं कुएं में छलांग नहीं लगाऊंगा। किरण को तो मैंने आराम से मना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें सख्ती से कह रहा हूं कि सलमान के साथ शादी खुदकुशी है, और ये खुदकुशी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। किसी भी नफसियाती को जज करना पागलपन है। तुम इसके खिलाफ मुझे अपना वकील कर लो और मुझे गवाह। वैसे तो 11th क्लब के अक्सर फैसले हिमाकतों की दास्तान है, लेकिन ये अच्छा हो गया कि इन्हें हम बाहर ले आए। इन्हें चेंज की जरूरत थी, और तुम्हें भी। तो गोया ये महफिल मेरे लिए सजाई गई है। जिससे ये महफिल सजाई है उससे पूछ, फिर बेकर आ रहे, थोड़ी लिफ्ट करा दो। ये फाउल है, ठीक है ना? एक साल से पेशा छुड़ा लो, तुम मजाक में।
कहाँ होता हूँ? प्लीज जल्दी से घर आओ, आई रियली नीड यू राइट नाउ। जाओ नूर और टीना को बुला के लाओ, वॉशरूम गई है। आप क्या देख रहे हैं? अभी अभी यहाँ ज़ुबैदा आई थी, किधर गई? पहाड़ से नीचे कूद गई। कब? 12:35 और 24 सेकंड पर। नहीं नहीं, 12:32 पर। वो एक लड़का है मिजान। अब लड़का भी दिखने लग गया? अब देख लें, इतने लोगों में कैसे उठाऊं उसे। हैं, आओ बताता हूं। यस, सबको बुलाए, जाने का टाइम। चलो। उसके साथ पैराशूट था? नहीं यार, फिर तो वो टेढ़ी टेढ़ी हो गई होगी। ना करो, मैं ज़ुबैदा के बगैर ज्यादा जिंदा नहीं रह सकूंगा। 5 मिनट में तुम सब गाड़ी के अंदर, वापसी का टाइम हो गया। इतनी जल्दी भी कैसी? शाम को महफिल मौसीकी है, आपको शिरकत की दावत दी जाती है। आपको गाड़ी के अंदर बैठने का हुक्म दिया जाता। टीना और नूर कहाँ है? दोनों को लेके आओ। नूर और टीना गायब है। क्या दीदार? नूर और टीना नहीं है, नूर और टीना नहीं है। क्या मतलब? टीना गायब हो गई। सीन सब जाओ, सब ही ना। कोशिश कर तो रहा हूँ, और क्या करें। और जो मैं कह रहा हूँ वो? दिमाग में तानिया, दिल में नूर और जिंदगी में सुरूर चाहिए, तेरा मशवरा नहीं। आज तेरे सारे मसले खत्म, बस एक बार मिल मुझे। तैफूर अंकल ने मेरे कत्ल की सुपारी दी है ना तुझे? तुझे खबर मिल गई? पिक कर मुझे। ओके, आता हूँ। जो मैं करने जा रही हूँ उससे मुझे रोको। तो कोई लेक्चर दो मुझे ताकि तुम भी मुझे खो दो। देखो मैं तुम्हें इरिटेट नहीं करना चाहती, लेकिन तानिया तुम तो शादी करना चाह रही थी, अमेरिका जाके क्या करोगी? अमेरिका जाके भी शादी करूंगी। देख, क्लास फेलो स्टीवन के साथ बहुत जल्द डैड को एक इम्पोर्टेंट दामाद का गिफ्ट मिलेगा। ओ मेरे अल्लाह तानिया, तुम ये क्या करियो स्टीफन? या ना, ये तो मैं गलत कह रही हूँ, नहीं कर सकती ऐसा। लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो मुझे पसंद आए डैड को बुरा लग। ओके, calm down, relax. It's okay. We'll figure something out. कैसे गायब हो गए? किसी ने तो देखा होगा, किसी को गाड़ी में भी नहीं है। नहीं है, how is it possible कि वो नहीं बता के नहीं गए कहीं? वाह भाई, लेकिन वाओ, कहाँ थे तुम दोनों? चाय पी रहे थे ऊपर रेस्टोरेंट। किसको बता के गए थे? पिकनिक पे आए, स्कूल में थोड़ी ना आए हैं, क्या मतलब है? Don't do it next time. ओके, वो है हमारे दिल को पता नहीं क्या क्या हो गया था। क्या हो गया था? चलो पहले अंदर चलो। नहीं पहले टीनो, टीनो, टीनो।
जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो मुझे पसंद आया, डैड को बुरा लगा। वो मक्कार औरत और उसका साइको भाई मेरी बेटी समेत मेरा सब कुछ ले जाएंगे और मैं देखता रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरुण जी साहब, गाड़ी निकालो। ओके सर। जमील साहब, ये टेंडर आपकी लापरवाही की वजह से हमें नहीं मिला है और आपको पता है कि मैं बिजनेस में लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकती हूं और आप जानते हैं ये। आपने कैसे ऐसे कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आता कि let me call you back। तहफूर साहब आप वेलकम, बैठिए बैठिए। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर भी तानिया के पीछे पड़ी रही, आखिर उसे ट्रैप कर ही लिया। मैंने ट्रैप किया? नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मक्कार, मासूम बंद कर दिखाए तो जोकर लगता है। और तानिया जैसे कि छोटी बच्ची है ना, जिसको मैंने चॉकलेट दिखाकर बातों में फंसाया, आप फिर ज्यादती कर रहे थे फोर साहब। ज्यादती से कहीं ज्यादा हुआ मेरे साथ, वो गुस्ताख हो गई है। बाप बेटी का पर्सनल मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूं वो बताइए। तुमने जो करना था कर लिया। अब मेरी बारिश। Okay.